दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हम इस वीडियो में मारुति सुजुकी कंपनी की डिजायर टूर सीएनजी, जो कि इसमें आपको डबल एयरबैग और बी6 इंजन मिलता है। दोस्तों इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा टूर के यूज के लिए यानी कि टैक्सी यूज के लिए ये गाड़ी बिकती है, सीडान कैटेगरी की गाड़ी है। तो आइए पहले जानते हैं 2023 के जनवरी महीने में डिजायर टूर सीएनजी ऑप्शनल का आपको कैश प्राइस क्या पड़ता है, उसके बाद में आपको इसकी फाइनेंस की डिटेल बताऊंगा। और दोस्तों तीन मैंने अलग अलग डाउन पेमेंट के प्लान लिए हैं, यानी कि अलग अलग डाउन पेमेंट 10%, 20%, 30% तक की डाउन पेमेंट ली है। और अगर आप अलग अलग डाउन पेमेंट करते हैं तो आपके अलग अलग लोन अमाउंट आएंगे और दोस्तों अलग अलग ही आपकी किस्त बनेगी। काफी बढ़िया वीडियो है और कम से कम ब्याज दर बताऊंगा, यानी कि इस महीने सबसे कम जिस बैंक का ब्याज दर चल रहा है फाइनेंस पर उसकी डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस गाड़ी का कैश प्राइस क्या चल रहा है। तो मारुति सुजुकी डिजायर टूर सीएनजी, जो कि ऑप्शनल इसमें आपको एयरबैग मिलते हैं, यानी कि डबल एयरबैग मिलेंगे और बी6 इंजन के साथ ये अपडेटेड है गाड़ी। और दोस्तों लोकेशन की बात करें, यानी कि लोकेशन अगर आप इसको खरीदते हैं नोएडा एनसीआर में, तो दोस्तों इसकी गाड़ी की एक्सोरूम प्राइस आपको पड़ेगी अभी के समय में 7,16,000 रुपये। और दोस्तों इस कीमत में आपका 28% जीएसटी प्लस 1% सेस की कीमत जुड़ी हुई है पहले से ही। अब बात करते हैं दोस्तों आरटीओ की, तो आरटीओ के आपके लग जाएंगे टोटल इसमें 58,880 रुपये। और दोस्तों इसमें मैं बात करूं तो इसमें आपको रोड टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस काफी इसमें बढ़िया मिलता है। तो इंश्योरेंस के इसके टोटल बैठते हैं आपके 32,500 रुपये। और दोस्तों इंश्योरेंस में आपको 3 साल का थर्ड पार्टी और आपका 1 साल का ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फास्टैग के बारे में, तो फास्टैग के 600 लगते हैं और आपकी नेट जो है प्राइस आएगी, नेट कैश कीमत की बात करूं तो इसकी नेट कैश कीमत बैठती है 8,07,980 रुपए की। और दोस्तों अगर आप इसको फाइनेंस में खरीदते हैं तो फाइनेंस में खरीदने पर इसमें आपको हाइपोथिसिकन की फीस देनी होगी अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं तो, यानी कि हाइपोथिसिकन के आपके 1500 और लगेंगे अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो, नहीं तो कैश कीमत आपकी यही लगेगी अगर आप कैश में खरीदते हैं तो 1500 और लगाने पर, यानी कि अगर आप फाइनेंस भी करा रहे हैं तो आपके 8,09,480 बैठते हैं। ये आपका ग्रांड टोटल हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फाइनेंस डिटेल के बारे में, तो मैं आपको SBI बैंक का फाइनेंस का प्लान बताने वाला हूं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्लान। तो अभी के समय में दोस्तों 8.20% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि 2023 के जनवरी महीने में इसका आपका फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट लगेगा, सबसे कम है ये 8.20% लगेगा। तो दोस्तों डाउन पेमेंट की बात करें, यानी कि तीन ऑप्शन में आपको डाउन पेमेंट के इस पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों डाउन पेमेंट की बात करें, यानी कि पहला जो प्लान है हमारा डाउन पेमेंट का, यानी कि प्लान नंबर फर्स्ट डाउन पेमेंट, तो दोस्तों अगर आप इसकी 10% की डाउन पेमेंट करते हैं जो कि बैठती है 81,000 रुपये, तो दोस्तों आपका लोन अमाउंट निकल के आता है तब अगर आप ये डाउन पेमेंट करते हैं 7,28,480 रुपये। और दोस्तों अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करते हैं 20% की, यानी कि प्लान नंबर टू, तो इसकी आपकी डाउन पेमेंट निकलेगी प्लान नंबर टू में 20% 1,62,000 रुपये, तब आपका लोन अमाउंट निकल के आता है 6,47,480 रुपये का। दोस्तों अगर आप प्लान नंबर तीन लेते हैं, यानी कि डाउन पेमेंट करते हैं आप 30% की, तो आपका जो है निकल के आता है
डाउन पेमेंट तीसरे प्लान में अगर आप 30% की डाउन पेमेंट करते हैं, यानी कि 2,43,000 रुपए की, तो लोन अमाउंट निकल के आता है आपका दोस्तों 5,66,480 रुपए का। दोस्तों ये आपकी अलग अलग डाउन पेमेंट है और अलग अलग आपके ये लोन अमाउंट हो गए हैं, यानी कि तीनों डाउन पेमेंट पर आपके अलग अलग अमाउंट पर लोन अमाउंट निकलेंगे। अब आइए जानते हैं दोस्तों इसका ईएमआई क्या बैठता है अगर हम तीनों अलग अलग डाउन पेमेंट लेते हैं। तो प्लान नंबर फर्स्ट की बात करें, यानी कि अगर आप 81,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो दोस्तों इस पर आपका ईएमआई निकलती है। मैंने 7 साल तक की ईएमआई ली है अधिकतम समय के लिए, तो आपकी जो है दोस्तों ईएमआई निकलती है 11,427 की। टोटल ब्याज आपका निकलता है 7 साल में 2,31,388 का। अगर आप प्लान नंबर 2 लेते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करते हैं, प्लान नंबर 2 में हमारी डाउन पेमेंट थी 1,62,000 रुपये और ये भी 7 साल के लिए ही थी, तो दोस्तों आपकी ईएमआई निकलती है 10,156 की। टोटल ब्याज आपका बनता है 7 साल का 2,05,624 रुपए का। अगर हम बात करें डाउन पेमेंट प्लान नंबर 3 की, जो कि हमारी थी 2,43,000 की, ये भी 7 साल का प्लान है, तो आपकी ईएमआई निकलती है दोस्तों 8,886 की। और दोस्तों आपका टोटल ब्याज बनता है 7 साल का इसमें 1,79,944 का। दोस्तों ये हमारी डाउन पेमेंट है और ये हमारी टाइम पीरियड है और ये हमारी ईएमआई है और दोस्तों ये टोटल आपका लोन अमाउंट है। तो ये तीनों हमारे प्लान हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप इसकी और भी अधिक डाउन पेमेंट करते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों अलग अलग डाउन पेमेंट पर मैंने आपको प्लान बताए हैं और ये पर मंथ की किस्त आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।